जब भी कोई एयरक्राफ्ट किसी जगह पर लैंड ना कर सके या फिर टाइम बचाने के लिए उसे लैंड ना कराया जाए, तो वेपन्स और फूड डिलीवरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है एयर ड्रॉपिंग मेथड को। और आपने अक्सर इस टाइप की मेथड को गेम्स के अंदर देखा होगा, चाहे टैंक्स हो या फिर वेपन, और इवन डिजास्टर रिलीफ के लिए भी एयर ड्रॉपिंग का इस्तेमाल किया जाता है। यूजुअली कार्गो में एक पैराशूट लगा होता है जिसकी मदद से सॉफ्ट लैंडिंग की जाती है। एयर ड्रॉपिंग के कई सारे मेथड हो सकते हैं। लो वेलोसिटी एयर ड्रॉप का इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी टैंक या फिर हैवी वेपन को एयर ड्रॉप करना हो। प्लेन को जमीन के ज्यादा से ज्यादा पास ले जाया जाता है, उसके बाद में उसका लैच खोल दिया जाता है जिससे कि कार्गो को बाहर धक्का दिया जा सके। दूसरी मेथड हाई वेलोसिटी है, जिसमें कि हाई एल्टीट्यूड पर एयर ड्रॉप किया जाता है, जो कि जनरली हम लोग देखते हैं। इसके अलावा एक और मेथड है जिसमें बिना पैराशूट के कार्गो को ड्रॉप कर दिया जाता है। इस मेथड का इस्तेमाल बॉम्ब्स को गिराने के लिए और प्रोपोगंडा फैलाने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे लीफलेट्स बांटने के लिए भी किया जाता था।